हिंगना तालुका में अधिकांश लोग खेती और खेती पर आधारित व्यवसाय और खेतिहर मजदूर हैं। कई लोग कंपनी ठेकेदारी में मजदूर के तौर पर काम करते हैं। उनमें से कई 10,000 रुपयों से भी कम कमाते हैं। इतने थोड़े से पैसों में उन्हें अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करना पड़ता है। दूसरी ओर बिजली को एक महत्वपूर्ण वस्तु के रूप में मान्यता देने और सभी को मुफ्त और अनिवार्य बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के बजाय सरकार बिजली चोरी के नाम पर मुनाफा कमाने के लिए इसे पूंजीपतियों को सौंप रही है। केंद्र सरकार ने बिजली के बाजारीकरण को बढ़ाने के उद्देश्य से विद्युत अनुसंधान विधेयक 2022 तैयार किया है। राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन और नवीनीकरण वितरण क्षेत्र योजना के तहत 5 साल की अवधि में 3,03,758 करोड़ रुपए की लागत से स्मार्ट मीटर लगाने का निर्णय लिया गया है। इससे राज्य के स्वामित्व वाले वितरण कंपनियों तक पहुंचना आसान हो जाएगा और बिजली के निजीकरण का रास्ता साफ हो जाएगा। इस विषय में स्मार्ट इलेक्ट्रिक मीटर के विरोध में ऑल इंडिया कंज्यूमर एसोसिएशन नागपुर डिवीजन की ओर से हिंगना में जन आक्रोश मोर्चा निकाला गया, जिसमें प्रति यूनिट बिजली दर वृद्धि को रद्द करने, प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने तथा बिजली बिल 2023 को पूर्ण रूप से रद्द करने की मांग को लेकर लोगों द्वारा हस्ताक्षरित मांग ऑल इंडिया कंज्यूमर एसोसिएशन के माध्यम से हिंगना महावितरण कार्यालय के द्वारा ऊर्जा मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। देखिए, ये जो बिजली कानून जो अभी चलता है 2003, इसका संशोधन करके सेंट्रल गवर्नमेंट बिजली कानून बिल 2022 ले आए हैं। इसको अभी तक पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ है, लेकिन ये लोग फिर घूम के RDSS रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम ले आके स्मार्ट मीटर बटना चाहते हैं। ये स्मार्ट मीटर बहुत खतरनाक चीज़ है। हम लोग ये ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर एसोसिएशन का तरफ में सीधा बात बोलते हैं, ये स्मार्ट मीटर और कोई नहीं है, ये ग्राहक को लूटने का एक तो डिवाइस है, दूसरा चीज नहीं है। किस लिए बोलते हैं कि देखिए, ये स्मार्ट मीटर का अंदर जो सॉफ्टवेयर है, जो इसको बाहर से रेगुलेट करना ईजी है, करना है बाहर से ही करना है, इसको डिसकनेक्शन करना है तो बाहर से है, इसको कनेक्शन करना है, इसको प्रीपेड मोड में आना है, पोस्टपेड में आना है, TOD सिस्टम में आना है, डायनामिक फेयर प्राइसिंग सिस्टम में आना है, सब कुछ करना सकते हैं। तो सुपर कंप्यूटर का तरफ से AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तरफ से इसको कंट्रोल करना सकते हैं। यही बहुत खतरनाक है। एक तो दिखते बिहार में है, उड़ीसा में है, असम में है, कंज्यूमर का सब स्मार्ट मीटर लगा दिया, ये लोग अभी मीटर छोड़ के लेके तो छोड़ देता है, भांग भांग देता है, टूट देता है, किस्त करता है, देखता है 1,000 रुपया बिल आते थे पहले, अभी 10,000 5,000 रुपया बिल चला जाते हैं। इसलिए ये मीटर ऐसा ही है, ये वही कोई चीज़ नहीं है, ये ग्राहकों को लूट करने का डिवाइस और कुछ नहीं है। इसका खिलाफ में हम लोग यहाँ आया है। और देखिए, बिजली का जो भाव बढ़ता है, जानते हैं अभी ऑल इंडिया का जो बिजली जो जनरेशन होता है इसका खर्च कितना है, हम लोग जानते हैं, वेस्ट बंगाल में जानते हैं खर्चा होता है 1.32 रुपया पर यूनिट, और वहाँ बिकता है 7.32 रुपया पर यूनिट, कितना ज़्यादा। ये जो सोलर पावर है, ये अदानी बनाता है, कितना पैसा होता है प्रोडक्शन के लिए, 35 पैसा 40 पैसा इसका कॉस्ट है, उसको सेल करता है हर एक स्टेट में 16 रुपया पर यूनिट, ऐसा बिजली का भाव बढ़ता है तो आम आदमी कैसे इसको यूज करेगा। पहले थे जो BR अंबेडकर जी है, उस टाइम 1948 में एक अंबेडकर जी बोला था कि बिजली को नो प्रॉफिट नो लॉस करके भेजो, इसको बिक्री सेल करो, इसको बेचने का कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा उलट करके इसको बाजार का कमोडिटी कर दिया, और अडानी अंबानी टाटा और गोयनका का इंटरेस्ट में इसको चला देता है। इसका खिलाफ में हम लोग यहाँ मूवमेंट कर रहे हैं। आज यहाँ पर ये स्मार्ट मीटर का विरोध में 1,082 को कंज्यूमर का सिग्नेचर करके हम यहाँ सबमिट किए हैं। NBC News के लिए हिंगना से आशीष गोंडाने की रिपोर्ट।